हाय दोस्तों, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो है दोस्तों, जो प्रोफेशनल लॉजिंग का 14 फेब को एग्जाम हुआ था, उसका सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना हमारा चैनल मत भूलिए। और हाँ, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव या कोई शिकायत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द इंटरनेट लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कौन सी डिवाइस का यूज होता है इंटरनेट लेयर में TCP/IP मॉडल में। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, स्विच एंड हैब, राउटर, PBX, स्विच, फायरवॉल। हल्का से इनका वर्क समझ लेते हैं। हब का क्या काम होता है, ये अगर इससे जो भी जितने भी सिस्टम कनेक्ट रहते हैं सबको डेटा एक साथ भेज देता है। स्विच जो है सबको डेटा एक साथ नहीं भेजता, पर्टिकुलर सिस्टम को ही डेटा भेजता है। और राउटर क्या है, राउटर के थ्रू हम नेटवर्क से नेटवर्क कनेक्ट करके डेटा भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राउटर हब जो है हमारा बेसिकली फिजिकल लेयर में यूज होता है। हब का यूज कहाँ पे होता है, फिजिकल लेयर में होता है। स्विच का यूज जो है हम लोग डेटा लिंक लेयर में करते हैं। और राउटर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इंटरनेट। हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेट लेयर में हम किसका यूज करते हैं, तो राउटर का यूज हम नेटवर्क में भी कभी कभी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम OSI मॉडल की जब बात करते हैं तो नेटवर्क लेयर में करते हैं, नहीं तो TCP/IP में हम इसे इंटरनेट लेयर के अंदर करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, इंटरनेट लेयर। PBX क्या है, PBX का फुल फॉर्म है प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। दोस्तों जो ब्रांच के अंदर, मतलब एक नेटवर्क के अंदर कोई नेटवर्क बनाते हैं, जैसे आप किसी ऑफिस के अंदर जाते होंगे तो वहां पे एम्प्लॉई जो ब्रांच मैनेजर, एक बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, जो ब्रांच मैनेजर है उसको अगर अपने एम्प्लॉय को कॉल करना होता तो क्या करता है, वो टेलीफोन के थ्रू 0102 कुछ भी कोड डायल करता है और वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो ये एक PBX का एग्जाम्पल है, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कोडिंग स्कीम रिकॉर्डिंग बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेटा बेस्ट डिफाइन अ डेटा टाइप। इसका आंसर होगा डेटा टाइप। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अ कोडिंग स्कीम मतलब कोडिंग के अंदर जो हम डेटा यूज करते हैं उसको कैसे डिफाइन करते। देखिये जैसे हमको इंटीजर लेना है तो हम क्या लिखते हैं, इंट एक्स वाई। अब इसके अंदर जो वैल्यू आएगी 1, 2, 3 या कुछ आएगी, तो ये क्या है, ये डेटा टाइप है, ये यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। उसी तरह अगर हमको कैरेक्टर लेना है, कैरेक्टर और इंटीजर दोनों लेना है तो उसके लिए वैर कैर डिफाइन करते हैं, केवल कैरेक्टर लेना है तो उसके लिए कैर। ये सब क्या है, ये सब डेटा टाइप है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डेटा टाइप। क्वेश्चन में क्या पूछा, अ कोडिंग स्कीम रिकॉग्नाइज बाई सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेटा बेस्ट डिफाइन अ डेटा टाइप। ठीक है, हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक HTML में मैक्सिमम यूज होता है। इसके थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, टपल, टपल हम रो को कहते हैं, इनको हम टपल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फेज ऑफ द STLC इन्वॉल्व कन्वर्टिंग टू द न्यू सिस्टम। देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे हमने वीडियो तैयार कर लिया है, हम 1-2 दिन के अंदर ही अपलोड कर देंगे। पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, STLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टोटल कितने फेज होते हैं, टोटल 7 फेज होते हैं हमारे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहला प्लानिंग होता है, दूसरा सिस्टम एनालिसिस होता है। पहला क्या होता है, प्लानिंग, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। ठीक है, तो प्लानिंग में क्या करते हैं, जैसा कि नाम है, दिस इज द फर्स्ट फेज इन द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है,
इट आइडेंटिफाई वेदर और नॉट देयर इज द नीड ऑफ फॉर अ न्यू सिस्टम, मतलब कि ये जो है नए सिस्टम की जरूरत है कि नहीं है उसको आइडेंटिफाई करता है, बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाता है प्लानिंग में, सिस्टम एनालिसिस में क्या करते हैं, जो हमारे पास सिस्टम है वो उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए सही है कि नहीं है, कि हमें दूसरा जरूरत पड़ेगा, बिजनेस विल वर्क ऑन द सोर्स ऑफ देयर प्रॉब्लम, ठीक है, उस पर वो बिजनेस वर्क करेगा कि नहीं, या इसको एक लाइन में ऐसे बोल सकते हैं, मेन सिस्टम एनालिसिस हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल पीसेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ये जो हम तय करते हैं सिस्टम एनालिसिस के अंदर, ठीक है। सिस्टम डिजाइन के अंदर क्या करते हैं, सिस्टम डिजाइन मेनली जैसे आप देख सकते हैं थर्ड पेज है, इसमें क्या करते हैं, फीचर्स करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और इसका जो जितना भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है प्रोजेक्ट का वो सिस्टम डिजाइन के अंदर करते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग, नाम से वगैरह क्या होगा, ठीक है। अब चौथे नंबर पे आता है डेवलपमेंट में, इसमें उस प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप करेंगे, द फोर्थ वे जो है रियल वर्क बिगिन, इसमें जो है रियल वर्क हमारा जो है स्टार्ट होता है, मतलब हम डिसाइड करते हैं प्रोग्रामर कौन है, नेटवर्क इंजीनियर, डेटाबेस डेवलपर, जो भी है सब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं, डेवलप करने की शुरुआत करते हैं, ठीक है। पांचवा पेज टेस्टिंग, जब डेवलप्ड हो जाता है तो उसको टेस्टिंग करते हैं कि वो प्रोजेक्ट सही है कि नहीं है। सिक्स पेज में इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, अगर वो प्रोजेक्ट सही होता है तो यहाँ पे वो न्यू प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच फेज ऑफ द एसडीएलजी इन्वॉल्व कन्वर्टिंग टू द न्यू सिस्टम, ठीक है, हमारा किस फेज में न्यू सिस्टम तैयार हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में, तो हमारा आंसर क्या होगा, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, आंसर नंबर बी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल एआरपी, एआरपी होता क्या है, देखिए दो चीज होता है, एक एआरपी होता है, दूसरा आरएआरपी, रिवर्स एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, ये देखिए समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, जैसे ये एआरपी है हमारा, ठीक है, अगर हमें किसी सिस्टम का लॉजिकल एड्रेस पता है, लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, उस सिस्टम का आईपी नंबर जो है लॉजिकल एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें उस सिस्टम का फिजिकल एड्रेस पता करना है, ठीक है, फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस क्या होगा, मैक जो है एक तरह से फिजिकल एड्रेस होगा आपका मैक, ठीक है। तो अगर हमें किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस पता है और हमें उसका मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस निकालना है तो हम उस एआरपी के थ्रू पता कर सकते हैं, ठीक है। सेम ठीक इसका रिवर्स, अगर मुझे फिजिकल एड्रेस पता है और लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस निकालना हो तो रिवर्स एआरपी का यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल एआरपी, टू रिजॉल्व नोन आईपी एड्रेस टू अननोन फिजिकल एड्रेस, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, टू रिजॉल्व डोमेन, ठीक है, टू रिजॉल्व नोन आईपी एड्रेस टू अननोन फिजिकल एड्रेस, ठीक है, मतलब आईपी एड्रेस के थ्रू अननोन फिजिकल एड्रेस ज्ञात करना है, ये किसका काम है, एआरपी का, तो यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन जावा कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डन बाय, देखिए ये पूछा है कि जो बिटवीन ऑब्जेक्ट हम जावा में यूज करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, तो इसका सही आंसर है कॉलिंग अ मेथड। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास कुछ S1, S2, S3, S4, S5 है। देखिए हम मान के चल रहे हैं कि आपको जावा में क्लास बनाना आता है, क्लास के अंदर पूरा चीज, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रहे हैं कैसे हम बिटवीन मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कॉल करते हैं S4.bitwin, ये मेथड हो गया, क्या S1, S3, ठीक है, S1 से S3 के बीच में S4 बीच में है क्या, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये लिख देगा यहाँ पे फॉल्स, ठीक है।
अगर हम इसको कॉल करते हैं s4 डॉट बिटवीन, क्या s3 टू s5, s3 से s5 के बीच में s4 है क्या? तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो जो हम बिटवीन मेथड यूज करते हैं कॉलिंग अ मेथड होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉलिंग अ मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केस टूल्स जनरेट रिपोर्ट्स दैट हेल्प यू आइडेंटिफाई पॉसिबल इनकंसिस्टेंस या रिडेंसी एंड ओमिशन इन डायग्राम्स फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। देखिए, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, ठीक है, उसमें हम केस टूल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, दो तरह के होते हैं, एक तो सेंट्रल रिपोजिटरी होता है, क्या होता है एक, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, एक जो है आपका सेंट्रल रिपोजिटरी होता है और सेकंड क्या होता है, केस टूल होता है। ठीक है, सेंट्रल रिपोजिटरी में क्या क्या होता है, फॉर्म जनरेटर होता है, रिपोर्ट जनरेटर होता है। देखिए, ये आपका सेंट्रल रिपोजिटरी के अंतर होता है, तो ये तो केस टूल्स के अंदर आता ही नहीं। ठीक है, रिपोर्ट जनरेटर होता है, डायग्रामिंग टूल्स होता है, एनालिसिस टूल्स होता है, डॉक्यूमेंट जनरेटर होता है। देखिए, डॉक्यूमेंट जनरेटर ये भी किसके अंदर आता है, सेंट्रल रिपोजिटरी के सिस्टम। केस के अंदर तीन तरह के होते हैं, अपर लोअर मिडिल, ठीक है, सॉरी अपर केस टूल्स, लोअर केस टूल्स और इंटीग्रेटेड केस टूल्स। क्या क्या होते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अपर केस टूल्स लोअर केस टूल्स और थर्ड वन होता है इंटीग्रेटेड केस टूल। ठीक है, तो ये जो हमारे तीनों रिपोर्ट जनरेटर, एनालिसिस टूल्स और डायग्रामिंग टूल, ये तीनों अपर केस टूल्स के अंदर आते हैं। ये तीनों हमारे कहां पे आते हैं, अपर केस टूल्स के अंदर। ठीक है, और इसमें से जो रिपोर्ट एनालिसिस टूल्स है, एनालिसिस टूल्स का ये काम होता है जो कि जनरेट रिपोर्ट हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने पे इनकंसिस्टेंसी, रिडेंसी एंड ओमिशन इन डायग्राम फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तुम्हारा आंसर क्या होगा, एनालिसिस टूल्स, और ये किसके अंदर आता है, अपर केस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज यूनिक अक्रॉस ऑल, ठीक है, ये तो सबको पता है कि ये प्राइमरी की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, एन आईपी प्रोटोकॉल फील्ड विथ 0x06 इंडिकेट्स दैट इज कैरिंग व्हाट एज इट्स पेलोड। ठीक है, तो ये 0x06 क्या है, ये एक हेक्सा वैल्यू है और इसका आंसर मैंने पहले ही लिख दिया। देखिए, आपको ऑप्शन में केवल ये जो ब्लैक कलर में लिखा है वो मिलेगा। ठीक है, यूडीपी का हेक्सा वैल्यू क्या होता है, 0x11, ठीक, और इसका पूरा नाम यूचर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये आपको रटना पड़ेगा, हेक्सा वैल्यू क्या है, 0x01। हमारा क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर होगा TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इसकी हेक्सा वैल्यू क्या है, 0x06। ठीक है, IGRP 0x01 इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल एक्चुअली होता क्या है, ये जो है एनी प्राइवेट नेटवर्क, कोई भी प्राइवेट नेटवर्क होता है, एनी प्राइवेट इंटीरियर गेटवे जो सिस्को द्वारा यूज किया जाता है, यूज बाय सिस्को फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नेम सेट ऑफ टेबल रो स्टोर्ड इन अ कॉन्टिजियस सेक्शन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी बेस्ट डिस्क्राइब एन। देखिए, जो फाइल होती है हमारी वो या तो डेटाबेस में होती है, ठीक है, अ नेम सेट ऑफ टेबल रो स्टोर इन अ कॉन्टिजियस सेक्शन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी बेस्ट डिस्क्राइब एन, या तो जो टेबल के रूप में होता है जैसे हम फाइल करते हैं, कॉन्टिजियस सेक्शन में स्टोर होता है। ठीक है, और कॉन्टिजियस सेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, फिजिकल फाइल। ठीक है, जो फाइल के रूप में टेबल स्टोर होता है
उसको कॉन्टिजियस सेक्शन के रूप में फिजिकल फाइल कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फिजिकल फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट मेक टीसीपी रिलायबल। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।